फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरे शायर में। सो गाइस, केमिकल सेक्टर का फ्यूचर ब्राइट है ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड इन वेरियस एंड यूजर्स इंडस्ट्रीज सच एज फार्मास्यूटिकल एंड एग्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, पर्सनल केयर एंड ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर। स्पेशली केमिकल्स का रोल इस सेक्टर में और भी सिग्निफिकेंट हो गया है ड्यू टू देयर एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज एंड जो उसकी फंक्शनैलिटीज होती हैं, जो केमिकल सेक्टर के अंदर यूज होती हैं, उसकी वजह से के सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल रेगुलेशन की वजह से ग्रीन केमिकल्स और सस्टेनेबल प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने पर फोकस बढ़ा रहे हैं। गाइस, कुछ ऐसी दो कंपनियां हैं जो इसका बेनिफिट उठा सकती हैं क्योंकि इनका फोकस हाई परफॉर्मेंस और एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट पे है। इन कंपनीज का लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग है ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड फॉर स्पेसिफिक केमिकल्स, देयर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, पोर्टफोलियो एंड फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी। सो गाइस, आज हम ऐसे दो केमिकल सेक्टर के कंपनी के बारे में बात करेंगे जो स्मॉल केमिकल सेक्टर कंपनियां हैं और बहुत ज़्यादा शानदार रिटर्न बनाकर दे रही, जस्ट बिकॉज ऑफ उनका जो व्यू है वो बहुत अच्छा बना हुआ है। ठीक है, चलिए बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। हम उन दो कंपनियों के बारे में जरा जान लेते हैं कौन सी है। तो सबसे पहली कंपनी का निकल के आती है हमारी रोजरी बायोटेक। रोजरी बायोटेक में आज के दिन तेजी देखने को मिल रही है। अगर देखोगे मैक्सिमम, ये कंपनी 2020 में आई थी। 2020 से लेकर अब तक इसने 100 के अराउंड रिटर्न दिया। देन इसके बाद इसमें गिरावट आ गई 43% तक की। ठीक है, एंड अभी एक साल के अंदर इसमें 0.75% तक की गिरावट है। साल भर में देखो 4% चढ़ा है, 6 महीने में फिर 4.5% 1 महीने में गिरावट है। लेकिन गाइस, इसका फ्यूचर वाकई ब्राइट है। 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है जिसको आप स्मॉल कैप कैश कर चल सकते हैं कंपनी को। 52 वीक हाई 894 का है, लो 656 का है, 33 के पे ये ट्रेड कर रही है। रोजरी बायोटेक लिमिटेड स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है जो टेक्सटाइल, पर्सनल केयर, होम केयर, परफॉर्मेंस केमिकल्स और एनिमल हेल्थ और न्यूट्रिशन सेक्टर के लिए यूज होते हैं। कंपनी ने एक डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डेवलप किया है जिसमें बायोपॉलीमर्स, एंजाइम्स और अदर स्पेशल केमिकल्स शामिल हैं। गाइस, केमिकल सेक्टर में फ्यूचर की बात की जाए इस कंपनी की, तो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर का फ्यूचर स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये हाई परफॉर्मेंस और नीश एप्लीकेशंस के लिए क्रिटिकल है। एनवायरमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने से रोजरी जैसे कंपनीज के को बेनिफिट हो सकता है। गाइस, वही लेटेस्ट न्यूज ये निकल कर आ रही है, रोजरी बायोटेक ने अपने एक्सपेंसिव प्लान पर फोकस किया है और अपने R&D कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए इनिशिएटिव्स लिए हैं। इसके अलावा कंपनी ने अपने एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को एक्सपेंड करने और नई फैसिलिटी सेटअप करने के लिए भी प्लान बनाए हैं। तो गाइस, रोजरी बायोटेक एक अच्छा स्टॉक हो सकता है फॉर योर पोर्टफोलियो। सो गाइस, अगर आप देखोगे इसका स्टॉक भी 33 है, इंडस्ट्री भी 42, इट मीन्स ये अभी आपको अंडर वैल्यूड मिल रहा है। ROC ROE काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिलता है और सबसे बड़ी बात, एक भी स्टॉक मतलब प्लेज नहीं है बस। एंड अगर हम इसकी इन्वेस्टर होल्डिंग की बात करें तो आप देखोगे इन्वेस्टर होल्डिंग में, गाइस देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा ये हैंग हो गया है। आप देखिए इसके अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज़ बनी हुई है और हल्की सी ट्रिम हुई थी मार्च के अंदर। उसके बाद इसके अंदर हमें FII की होल्डिंग ट्रिम होती हुई नजर आई और DII की भी, लेकिन आप ये कह सकते हो पब्लिक ने यहाँ पर माल खरीदा, मतलब जहाँ FII ने माल भेजा तो वहाँ पर पब्लिक ने माल खरीदा है। वहीं अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के पास रिजर्व बढ़ गए हैं 1,000 के हो गए, तो वहीं कंपनी के पास बोरोइंग भी बढ़ा है 119 करोड़ का देखने को मिलता है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ तो धीरे धीरे करके 516 से अब कंपनी का जो सेल्स है मतलब रिवेन्यू जो 1910 पे पहुंच गया और प्रॉफिट 46 करोड़ से सीधा अब 136 करोड़ पे पहुंच गया है। क्वार्टरली नंबर की चलो डिस्कस कर लेते हैं। जून के जो उसके नंबर आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिले। क्वार्टरली एनुअली 490 करोड़ का इसका रिवेन्यू देखने को मिला था, वही प्रॉफिट 35 करोड़ का देखने को मिला। तो आप ये कह सकते हो एनुअली और क्वार्टरली इसके नंबर काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल गए। तो रोजरी बायोटेक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है केमिकल सेक्टर के लिए। आप लोग अभी इसी की साइट्स पे विजिट करके चल सकते हो। आप देख सकते हो उसकी यहाँ पे इससे रिलेटेड यहाँ पे वीडियो भी है, आप वो चेकआउट करके चल सकते हैं। कंपनी का जो कैपेबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ देखने को मिलती है प्रोडक्ट एंड इनोवेटिव कोर ऑफ बिजनेस में, फोकस ऑन ग्रीन सस्टेनेबल में, एक्सपीरियंस और टेक्निकल पावर्स के अंदर, ग्रोइंग कस्टमर बेस एक तरीके बना कर चल रहे हैं, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप चल रहा है इनका, सस्टेनेबल एंड कस्टमर
सेंट्रिक के अंदर, मतलब ये देख सकते हो केमिकल्स जो इनका मैंने बताया आपको जो यूज़ होते हैं होम पर्सनल केयर के लिए, टेक्सटाइल फैसिलिटी के लिए, एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लिए। एंड ये कस्टमर्स आप देख कर चल सकते हो, जो इनके कस्टमर्स हैं ईबीज, नोक्टल, डायमंड एंड स्विगी देखने को मिलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ गाइस आप इसमें ये सब चीज़ें इन्होंने अपने साइट पर सब कुछ वीडियोज डाली हुई है जो जो ये काम करते हैं, आप यहाँ पर देख कर चल सकते हो, ठीक है। वहीं चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट कंपनी की जो कि है यशो। यशो इंडस्ट्रीज की बात करूँ तो आज के दिन इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अगर आप देखोगे मैक्सिमम ये कंपनी जो आई थी 2023 में 1752 रुपये के प्राइस पे, आज हम 1895 रुपये के प्राइस पे देखने को मिले। जब ये आई थी तो गाइस यहाँ से इसने 22% का रिटर्न दिया, और वहीं आप देख रहे होगे आज के दिन 11%, मतलब अभी इसमें 11% की गिरावट देखने को मिली ऑल ओवर। एंड ये बस अभी ये देखिए मार्च में आई है ना ये आपकी, सॉरी मैक्सिमम अगस्त में आई, 25 अगस्त को, तो अभी इसको एक साल भी नहीं हुआ है। इसने मतलब 22% तक का रिटर्न दिया, और अभी एक के प्राइस पे कहीं ना कहीं आसपास ही कंसोलिडेट होती है। साल भर में 10% तक चढ़ी है, 6 महीने 15% चढ़ी है, 1 महीने में देखोगे इसके अंदर गिरावट है 5% तक की, नियर 4.5% तक की, 5 दिन में देख सकते हो, 1 दिन में भी आप देख सकते हो। गाइस अगर इसका मार्केट कैप देखोगे तो 2000 करोड़ का इसका मार्केट कैप देखने को मिलता है। 52 वीक हाई 2426 है और लो 1515, इट मीन्स काफ़ी अच्छे प्राइस पर, डिस्काउंट प्राइस पर आपको मिल रही है। गाइस ये काम क्या करती है, चलो यशो इंडस्ट्री की साइट पर थोड़ा सा फंडामेंटल देखते हैं। इंडस्ट्री पी 42 है, स्टॉक पी 37, इट मीन्स अभी आपको अंडर वैल्यूड मिल रही है। और मैं इसके काम की बता दूँ तो ये काम यशो इंडस्ट्रीज एक स्पेशलिस्ट, ये भी एक स्पेशलिस्ट केमिकल्स के अंदर ये काम करती है, जो फ्लेवर्स एंड फ्रेगनेंस रबर्स एंड प्लास्टिक केमिकल्स एंड लुब्रिकेंट्स के लिए केमिकल बनाती है। इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अरोमा केमिकल्स, रबर एक्सेलरेटर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और अदर स्पेशल केमिकल्स शामिल हैं। गैस अगर केमिकल सेक्टर में इसके फ्यूचर की बात की जाए तो स्पेशल केमिकल इंडस्ट्री का फ्यूचर प्रोमिसिंग है, क्योंकि ये हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। ग्लोबल डिमांड के साथ साथ डोमेस्टिक मार्केट में भी ग्रोथ पोटेंशियल है, स्पेशली सस्टेनेबल और ग्रीन केमिकल्स के सेगमेंट में। यशो इंडस्ट्रीज अपनी, अगर इसकी लेटेस्ट न्यूज़ की बात बताऊँ तो आ रही है कि यशो इंडस्ट्रीज अपनी प्रोडक्ट कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रही है और नई मार्केट में अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रही है। कंपनी ने अपने R&D एफर्ट्स को भी एनहेंस किया है जो कि इनोवेटिव है और कंपनी के मार्केट नीश के लिए काफ़ी ज़्यादा एक सूटेबल है, ठीक है। अगर इन्वेस्टर्स होल्डिंग की बात की जाए तो गाइस आप देखोगे कि 71.92, मतलब आप ये कह सकते हो मार्च में थोड़ी घट गई थी तो अब जून क्वार्टर में बढ़ गई है। एंड यहाँ पर FII ने अपने माल को बेचा है, तो आप ये कह सकते हो कि प्रमोटर ने और पब्लिक ने यहाँ माल को खरीदा है, कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है गाइस। ये ना इसका थोड़ा सा ऐसा चलता रहता है जब तक थोड़ी कंपनी ट्रैक में रहेगी, क्योंकि इसके रिजर्व थोड़े कम हैं। 22 को देखने को मिलते हैं, बोरविंग 579 की जुक के काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। एंड सबसे बड़ी बात जो बोरविंग हमें देखने को मिलती है गाइस, वो टोटल मिलाकर आप देखोगे लॉन्ग टर्म की काफ़ी ज़्यादा है 334 और शॉर्ट टर्म की 215 देखने को मिलती है। जैसे अपनी बोरविंग को कम करेंगे तो कहीं ना कहीं ट्रैक पर आ जाएगी कंपनी, और अभी थोड़ा हमें इस पर नहीं इतना सीजीआर देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करोगे तो कंपनी 169 से 2023 में 670 तक के रेवेन्यू पे पहुंच गई थी, लेकिन इस बार मार्च क्वार्टर में इसका रेवेन्यू घटा जिसकी वजह से इसमें गिरावट है 596 का देखने को मिला। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी 2023 में काफ़ी अच्छा था, जो कि मार्च क्वार्टर में गिरावट देखने को मिली। मतलब वॉर ऑल ओवर तो कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है हर साल, बट मार्च क्वार्टर में इसमें गिरावट थी 2023-24 में। वहीं इसकी क्वार्टरली नंबर की अगर मैं बात करूँ तो आप देखोगे मार्च और एनुअली इसका रेवेन्यू काफ़ी अच्छा निकल गया है 176 का, एंड प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी काफ़ी अच्छा बढ़ा। मतलब क्वार्टरली नंबर जितने धंधा देखने को मिले उतने ईयरली नंबर काफ़ी अच्छे देखने को नहीं मिले हैं। एंड देखिए थोड़ा बहुत कंपनी में प्लेज हो गया है 0.04% तक का, तो अभी थोड़ा सा माइनर है, बस 25% तक के ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ROC ROE काफ़ी अच्छे सही देखने को मिलते हैं, ROE काफ़ी धंधा देखने को मिलता है जो कि 15% से ऊपर है। बाकी अगर मैं आपको ये कहूँगी खुद से स्टडी करके चेक करके चलिएगा यशो इंडस्ट्रीज के साइट पर, अगर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई स्पेसिफिक फाइन केमिकल्स आप इस साइट पर विजिट करके चल सकते हो। इनकी ये सब चीज़ें देखिए, ये अरोमा केमिकल, फूड एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, लुब्रिकेंट, रबर केमिकल, इन सब स्पेसिफिक केमिकल्स के अंदर काम करती है, इसकी साइट पर आप विजिट करके चल सकते हैं। सो गाइस मैं आपको ये कहूँगी खुद से स्टडी करो, चेक करो, इन्वेस्ट करो। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कुछ भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, डेफिनेटली मैं आप लोगों की उस पर हेल्प जरूर करूँगी। सो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय गाइस, थैंक यू।